अगर आप लोगों का भी CUET का एग्जाम है तो ये खबर जानना आपके लिए जरूरी है कि कब से आपको जो है अपनी स्लिप मिल रही है ताकि आप अपने अपने सेंटर्स को वेरीफाई कर पाए और आप वहां पर बैठकर जो है वो एग्जाम दे पाए। जितने भी बच्चे हैं वो सेशन यानी 2024 से इंतजार कर रहे हैं कि उनका CUET का यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का जो है वो एक अंडर ग्रेजुएट बच्चों का एग्जाम कब होने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपकी सेंटर स्लिप है यानी जिससे आपको ये पता चलेगा आपका कौन सा सेंटर है और आपको किस सेंटर पे कब कहाँ कितने वक्त पर पहुंचना है, आप मई 5 से जो है अपनी स्लिप्स को जो है वो वहां से इंटरनेट के जरिए जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको आपके सेंटर के बारे में पता चल सके। बहुत ज्यादा बच्चे, मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा तादाद है, लाखों में बच्चे जो है वो इस एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं और अपनी किस्मत का सिक्का आजमाने वाले हैं। क्या हम वाकई में CUET एंट्रेंस टेस्ट यानी अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन जो होने वाला है उसमें अपनी किस्मत को आजमाने वाले हैं। लेकिन बहुत ज्यादा बच्चों की अगर मैं बात करूं तो मैं उन्हें बता दूं कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों से ही होने वाला है, यानी पेन और पेपर से भी होने वाला है, यानी आप लोगों के लिए पेन और पेपर भी अनिवार्य रहेगा जो रूरल एरियाज में सेंटर होंगे। और इसी के साथ अगर मैं बात यहाँ पर आपके साथ करूँ तो ऑनलाइन बेस भी जो है वो यहाँ पर रहेगा। लेकिन सबसे पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की मैं बात करूँ तो उन्होंने डिटेल्स जो है वो साझा कर दी है आपके एग्जामिनेशन सेंटर की। अगर आपको अपने एग्जाम्स के बारे में जानना है तो आप exam.nta.ac.in वेबसाइट पर जाकर जो है अपनी सेंटर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपका एग्जाम कौन सी शिफ्ट में है, कब होने वाला है और कौन सा सेंटर जो है वो आपके लिए बनाया गया। सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं, अक्रॉस द अगर मैं इंडिया की बात करूं तो बहुत ज्यादा बच्चे जो है इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसीलिए आपको, अगर आपने अपने आप को CUET UG एग्जामिनेशन 2024 एंटरिंग एग्जाम के लिए रजिस्टर किया है तो आपका वक्त जो है वो खत्म हो गया है। मई 5 को बात करते हैं, आप वहां से अपनी जो है रोल नंबर स्लिप हो गई जिस पर आपका सेंटर मेंशन होगा, आपकी शिफ्ट मेंशन होगी, आपका एग्जाम मेंशन होगा, आपका सब्जेक्ट मेंशन होगा, आप वहां पर जो है वो देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाती है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात करें तो उसने जो है वो साफ तौर पर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की घोषणा कर दी है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए और आप जो है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है एग्जामिनेशन की जो है वो डेट भी राइट डाउन कर सकते हैं। लेकिन अभी जब मैं आपको बता दूं कि एग्जाम जो है वो हाइब्रिड मोड से होने वाले हैं, हाइब्रिड मोड का मतलब ये हो गया कि एग्जाम दोनों तरह से होंगे, यानी पेन और पेपर भी रहेगा और इसमें ऑनलाइन भी रहेगा। ऑनलाइन उनके लिए रहेगा जिनका एग्जाम सिटी में होगा और ऑफलाइन उनके लिए रहेगा जो दूर दराज के रूरल एरियाज में जाते हैं, क्योंकि रूरल एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो काफी ज्यादा टेक्निकल ग्लिचेस रहते हैं, काफी ज्यादा लैग करती है, तो वहां पर बच्चों को जो है काफी ज्यादा नॉलेज नहीं रहती है, इसलिए उनको जो है वो पेन और पेपर मोड से एग्जाम देना होगा। और CBT की अगर मैं बात करूं तो वो उनके लिए होगा जो बच्चे सिटीज में रहते हैं। अगर मैं बात करूं 380 सिटीज से बच्चे यहां पर जो एग्जामिनेशन देने पहुंचेंगे, 26 सिटीज जो है आउटसाइड इंडिया भी रहेंगी और अबाउट 13.48 लाख कैंडिडेट जो है वो अपनी किस्मत को इसमें आजमा रहे हैं। और अगर मैं CUET की बात करूं, उनके एडमिट कार्ड जो है मई 5 को रिलीज हो जाएंगे और आपका जो एग्जाम है वो सेकेंड वीक ऑफ मई में हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं 15 मई से लेकर 24 मई के बीच में आपकी एग्जामिनेशन डेट है, यानी अगर मैं सेकंड की बात करूं यानी वीक सेकंड की बात करूं मई के महीने में, 15 मई से लेकर 24 मई के बीच में जो है वो आपके एग्जाम यहां पर हो जाएंगे और 45 मिनट का आपका एग्जाम रहेगा जिसमें आपकी एग्जामिनेशन ड्यूरेशन जो है वो 45 मिनट्स रहेगी। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड जनरल टेस्ट विल बी कंडक्टेड 16 मिनट। जनरल टेस्ट की अगर हम बात करें तो वो 60 मिनट का रहेगा, बाकी सब्जेक्टिव जो है वो 45 मिनट के रहेंगे। अब मैं आपकी शिफ्ट के बारे में बात कर लूँ, आपकी शिफ्ट जो 1 होगी वो 10 बजे से 11 होगी, शिफ्ट B की बात करते हैं वो 12:15 से लेकर 1 होगी, शिफ्ट 2 की बात करते हैं यानी जो जर्नल में फॉल करते हैं उन्हें 60 मिनट्स मिलेंगे, जो जर्नल के अलावा फॉल करते हैं वो 45 मिनट में अपना एग्जामिनेशन कंक्लूड करेंगे। 15 मई से 18 मई में होने वाले जो आपके एग्जाम है उनमें एग्जाम होगा केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इंग्लिश का, जनरल टेस्ट का होगा, इकोनॉमिक्स, हिंदी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड 15-18 मई में ये होने वाले हैं। यानी जो आपका एग्जाम है जिसमें आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड होगा, यानी जो आपका CBT होगा कंप्यूटर वो टेस्ट एग्जाम होगा, वो आपका 21-22-24 में जो है आपका एग्जाम होगा। और फिलहाल के लिए खबर बस इतनी ही है, इस खबर को जो है आप तमाम बच्चों तक पहुंचाए और साथ ही साथ आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप लोग जो है CUET का अगर आपने एग्जाम देना है तो आप मन लगाकर पढ़िएगा और आपके पास वक्त बहुत ज्यादा कम रह चुका है, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी रोल नंबर स्लिप को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है exam.nta.ac.in पर और ऑल द डिटेल्स आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, जम्बुलेटन न्यूज जो है वो देखते रहिएगा, लाइक भी जरूर करिएगा।